एक जना <laughs> लाइव हूँ क्या मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग अच्छा जल्दी से कमेंट करें कि आप कैसे हैं उसके बाद बताइए उसके बाद हम आज के क्लास स्टार्ट करेंगे अरे दीपक तुम इस बैच में भी आ गए क्या हैं दीपक चलो गुड मॉर्निंग एक बार कमेंट करके बताएं आप सब लोग कैसे हैं अच्छे हैं उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विनय अनुराग भोला कुमार दीपेश मंगल रामा शंकर प्रजापति नवीन कुमार क्या एक बच्चा बोल रहा है यूट्यूब पे भी क्लास चलेगी क्या नहीं अब यूट्यूब पे क्लास नहीं चलेगी ये सिर्फ दो या तीन क्लासेस डेमो के रूप में हमने यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दी हैं अब सिर्फ पेड कोर्सेज में क्लास चलेगी बच्चा ठीक है चलो बहुत अच्छा और पढ़ाई कैसी चल रही है ठीक चल रहा है मामला एकदम मस्त चलो अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन की मैं अच्छी हूँ <coughs> मैं भी अच्छी हूँ थोड़ा सा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा आप देख लेना गले के साथ आप लोग एडजस्ट कर लेना फटी हुई आवाज़ आ सकती है मैम एन के पहले पक्का हो जाएगा एन के पहले नहीं एन से पंद्रह दिन पहले हम आपका सिलेबस कवर कर देंगे तुम चिंता नहीं करो कैसे करना वो हम पे छोड़िए आप तो बस पढ़ते जाइए बस पहले ज़्यादा वेटिस वाले चैप्टर करा करो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके बाद कम वेटेज वाले चलो हो गया मैम आपने कल क्लास ली पता नहीं चला बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है शेड्यूल में लगी हुई थी क्लास आप देखा करो हम संडे को भी क्लास लेंगे आपकी कभी कभी क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी कवर करना है ना इसलिए चलो अब हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर रखा था ग्लैंड वाला चैप्टर अब मैं ज़्यादा रिवाइज नहीं करवाऊंगी सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि ग्लैंड वाले चैप्टर में हमने पेनक्रिया स्टार्ट किया था हमने अग्नास्य की शुरुआत की थी अब जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है प्लीज बच्चों पहले वो क्लास देख लें अगर नहीं भी देखी है तो आज से यहाँ से देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे चीज़ें कोई इशू नहीं है ठीक है चलो अब सुनो मेरी बात पीडीएफ सब डाल दिए हैं बच्चा मैंने सारी की सारी पीडीएफ डल चुकी हैं तुम चिंता नहीं करो ए टू जेड सारी पीडीएफ डल चुके हैं चलो अब सुनो मेरी बात अब कमेंट सेक्शन को आप हटा दो एक बार मैं कमेंट हटा रही हूँ लास्ट के दस मिनट में आपके सारे डाउट ले लूंगी अगर कमेंट्स पढ़ाते जाऊँगी ना कमेंट्स लेती रहूंगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी कॉन्टेंट ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी इसलिए प्लीज़ मेरे कॉमेंट सेक्शन को अभी बंद कर दो और साढ़े तक क्लास है ना तो बारह बीस पर कॉमेंट सेक्शन ऑन कर देना चलिए अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा था हमें बहुत सारी ग्लैंड्स हमें बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है और इन ग्रंथियों से रिलीज होने वाले हार्मोन से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में पैनक्रियाज हमने एक ग्लैंड स्टार्ट की थी अब पैनक्रियाज से मैंने बताया था जूस भी बनता है एंजाइम भी बनता है एंड हारमोन भी बनता है और इन तीनों चीज को रिलीज करने वाली ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं उसके बाद मैंने बताया पैनक्रियाज की लोकेशन कहाँ होती है मैम एब्डोमिनल वाले पार्ट में एब्डोमिनल क्या होता है जहां पर आपका चेस्ट खत्म होता है स्टमक पेट जहां से स्टार्ट होता है उसको आप एब्डोमिनल बोलते हैं उधर गुहा हिंदी में उधर उधर का मतलब होता है पेट पेट ठीक है उसके बाद मैंने बताया कि पैनक्रियाज में तीन टाइप की सेल्स होती हैं कौन कौन सी वैसे चार होती हैं लेकिन हमारे यहाँ काम की तीन है एक बाद में पढ़ाऊंगी आपको ठीक है तो एल्फा बिटा एंड डेल्टा फिर मैंने आपको साफ साफ शब्दों में पढ़ाया कल रात में कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं आप बताएंगे बीटा सेल ऐसा कहा जाता है एक से सवा मिलियन सिर्फ पैनक्रियाज में बीटा सेल्स ही होते हैं अब इन तीनों से हार्मोन रिलीज होते हैं अगर हम बात करें बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है इंसुलिन अब मैंने आपको इंसुलिन के बारे में दो पॉइंट नोट करवाए थे क्या कि इंसुलिन की खोज किसने की थी बैंटिंग एंड बेस्ट बेस्ट जो बेस्ट है वही खोज कर सकते हैं है ना ऐसे याद कर लो इंसुलिन की खोज इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इंसुलिन की खोज दोनों साइंटिस्ट ने की उन दोनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है इसलिए फिर मैंने बताया कि इंसुलिन के निर्माण में कौन सा मिनरल काम में आता है मैम जेड एन जेड एन बोले तो जिंक काम में आता है अब हम देखेंगे कि इंसुलिन का फंक्शन क्या था वर्क क्या था इंसुलिन क्या काम करता है तो वैसे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ लेकिन आज का मैंने को डायबिटीज़ के बारे में बताना है इसलिए मुझे ये फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा तो देखो इंसुलिन क्या काम करता है मैम हमारे बॉडी में ब्लड होता है आप सब जाते हैं हमारे शरीर में खून होता है अप्रोक्स पाँच से छः लीटर ब्लड होता है अब इस खून के अंदर एक सुगर होती है एक सरकरा होती है एक कार्बोहाइड्रेट होती है जिसको हम ब्लड सुगर बोलते हैं जितना भी आप खाना खाते हो आप कुछ भी खा रहे हो आप सैलड खा रहे हो आप मिठाई खा रहे हो आप वेज खा रहे हो आप नॉन वेज खा रहे हो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जाकर ये सब चीजें में बदल जाती हैं ग्लूकोज में तो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं ब्लड सुगर रुधिर वाली सरकरा ब्लड शुगर अब क्या होता है जब हमारे बॉडी में जब हम बाहर से कार्बोहाइड्रेट सर्कराओं का सेवन ज्यादा कर लेते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में दे लेते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ज्यादा सरकरा खाएंगे तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट भी बढ़ जाएगा जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो ग्लूकोज जब एक्सेस है कहाँ का ग्लूकोज बच्चों ब्लड हाँ? का मैम साफ साफ लिखा है तो इस एक्सेस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ये किसका काम होता है ये इंसुलिन का काम होता है तो इंसुलिन एक हार्मोन है और ये हार्मोन क्या करता है जो अधिक मात्रा में बनी हुई शर्करा है हमारे ब्लड में उसको ग्लाइकोजन में बदलना और ये ग्लाइकोजन में जब बदल जाता है तो ये ग्लाइकोजन आधा ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जाएगा हमारे यकृत में जाएगा और लीवर क्या कर लेगा इसको स्टोर कर लेगा बच्चा कि अभी तो मैं स्टोर कर लेता हूं बाद में कभी हमारी सेल्स को जरूरत पड़ी तो मैं वापस भी कर दूंगा मुझे कोई जरूरत नहीं है लेकिन ज्यादा है और मैंने कहा है लीवर जो हमारे बॉडी में जो लीवर जिसको आप जिगर बोलते हैं उसको हमारे बॉडी का स्टोर हाउस कहा जाता है हर कोई भी चीज ज्यादा है लीवर कहता मेरे पास आ जाओ कोई भी चीज ज्यादा है लीवर कहता मेरे पास आ जाओ तो ये जब हमारे लीवर के अंदर जाता है तो ये बन जाता है स्टोर फूड और हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे संग्रहित खाना बच्चों एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य के शरीर का संग्रहित खाना क्या होता है स्टोर फूड ऑफ ह्यूमन बॉडी आप क्या बताएंगे ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है लीवर में लेकिन बच्चों लीवर की भी एक कैपेसिटी है एक क्षमता है लीवर ने ले लिया एक मतलब मैक्सिमम ना ढाई से 300 ग्राम स्टोर कर सकता है ये एक बारी में इससे ज़्यादा ये स्टोर नहीं कर सकता फिर भी आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो अब क्या होता है अब ये कार्बोहाइड्रेट एक टिश्यू में जाता है कौन सा टिश्यू एक उत्तक में जाता है हमारे बॉडीज़ में ये टिश्यूज़ होते हैं ये उत्तक होते हैं और इन उत्तक का नाम होता है एडिपोज़ टिश्यू एडिपोज टिश्यू ठीक है हिंदी में लिखेंगे वसीय उत्तक वैसे तो बच्चों मैं आपको बता दूं इन टीशूज का मेन काम क्या होता है ये जो टीशूज है ना इनका मेन काम होता है फैट को स्टोर करना फैट बोले तो वसा तेल घी चीज बटर मक्खन इन सब को स्टोर करना लेकिन एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से टिश्यू में हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है हमारे बॉडी में और वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में इंसुलिन द्वारा बदल दिया जाता है तो बच्चों जब लीवर भी इसको स्टोर करके थक जाता है तो फिर भी आपके बॉडी में ग्लाइकोजन ज़्यादा है तो क्या करते हैं एडिपोज टिश्यू बोलते हैं कि वैसे तो मैं फैट को स्टोर करता हूं मेरा काम तो वसा को संग्रहित करना है लेकिन अब मैं क्या करूं है ये तो, तुम बाहर से ग्लूकोज ज्यादा खाते जा रहे हो तो फिर ये टिश्यूज के अंदर भी क्या स्टोर हो सकता है आप बताओगे बच्चा क्या स्टोर हो सकता है आप बताओगे क्या ग्लाइकोजन तो एग्जाम में क्वेश्चन आए क्या एडिपोज टिश्यू ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकते हैं आप बताओगे यस लेकिन मेन काम क्या होता है किसको स्टोर करना फैट को तो बच्चों इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला ग्लाइकोज़न लीवर में गया बचा हुआ एडिपोज टिश्यू में चला गया अब आपके बॉडी में और ज्यादा ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है कहाँ का ग्लूकोज अगेन खून का तो इस बीमारी को नाम दिया जाता है हाइपर ग्लाइसेमिया कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपर ग्लाइसेमिया तो आप क्या बताएंगे ये एक कंडीशन होती है ये एक अवस्था होती है जहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है बच्चों ये बिल्कुल लाइफ क्लास है कोई बच्चा कमेंट कर रहा होगा सोच रहा होगा कि लाइव क्लास नहीं है मैं आज की तारीख लिख दूं क्या आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगा ग्यारह के चौदह मिनट हो रखी है और तारीख आज कितनी है फोर्टीन है कि थर्टीन है फोर्टीन है हाँ तो चौदह सेप्टेम्बर है और ये आपका ग्यारह बज के चौदह मिनट हो रखी है तो ऐसा मत सोचना कि कोई रिकॉर्डेड क्लास चल रही है मैंने कमेंट सेक्शन इसलिए सेपरेट कर दिया है क्योंकि एग्जाम आपके सर पर हैं और हमें सिलेबस जल्दी खत्म करवाना है तो आप लोगों से मैं अगर इंट्रैक्शन करती रहूंगी कॉमेंट्स देखती रहूंगी डाउट आ रहे हैं नोट कर लो डाउट क्लास लूंगी चिंता नहीं करो डाउट क्लास लूंगी मैं आपकी ठीक है चलो तो बच्चों जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो इसको क्या कह देते हैं हम हाइपरग्लाइसेमिया कह देते हैं अब मेरी बात नेक्स्ट सुनो जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए इंसुलिन की क्या हो जाए कमी जब इंसुलिन कम होगा तो क्या नहीं होगा बच्चों जो एक्सेस अमाउंट का ग्लूकोज है वो किस में नहीं जाएगा ग्लाइकोजन में नहीं जाएगा तो बच्चों जब इंसुलिन की कमी होती है तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा हो जाती हैं ब्लड शुगर का मतलब क्या है किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी ग्लूकोज की मात्रा या सर्कराओं की मात्रा अधिक हो जाएगी और जब शुगर की मात्रा अधिक होती है तो हमें एक रोग होता है एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मधुमेह मधुमेह है रोग मधु है रोग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस हार्मोन की कमी से होता है आप क्या बताएंगे इंसुलिन इंसुलिन किसने बनाया पेनक्रियाज ने तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ यहां पर अगर हमारा पैनक्रियाज खराब हो जाएगा तो क्या नहीं बनेगा इंसुलिन और क्या हो जाएगा हमें डायबिटीज़ हो जाएगा तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पैनक्रियाज को रिमूव कर दिया जाए किसी के शरीर से अग्नाशय को निकाल दें या उसका अग्नाशय खराब हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी का सामना कर, करना पड़ सकता है डायबिटीज़ का अब डायबिटीज़ जो होती है वो दो टाइप की होती है डायबिटीज़ टाइप वन एंड टाइप टू टाइप वन एंड टाइप टू तो एक साइड लिखो टाइप वन और एक साइड लिखो टाइप टू टाइप वन एंड टाइप टू डायबिटीज अब जो टाइप वन होती है वो बच्चों छोटी उम्र में होती है छोटी उम्र का मतलब है बच्चों में आजकल आपने सुना है छः साल के बच्चे में हो रही है डायबिटीज़ सात साल के बच्चे में हो रही है बारह साल के बच्चे में डायबिटीज़ हो रही है तो इस बीमारी को कहा जाता है टाइप वन वाली को कहा जाता है जुवेनाइल जुवेनाइल डायबिटीज़ डायबिटीज़ हिंदी में कुछ नाम नहीं है इसका आप नोट कर लेना जुवेनाइल डायबिटीज़ ये कब होती है देखो बच्चों इन में इन बच्चों के अंदर छोटी उम्र में ही हो जाती है ये आ, और ये बीमारी ख़त्म भी नहीं होती है जो टाइप वन है वो ख़त्म नहीं होता है कभी कभी तो ये जेनेटिक्स भी होता है जेनेटिक्स का मतलब समझते हैं आनुवांशिकी पिछले आपके किसी जनरेशन में रही होगी मम्मी में पापा में या किसी में रही होगी तो उसके बच्चों में भी आ जाती है और ये वाला कभी भी ख़त्म नहीं होता है इधर वाला टाइप टू को आप कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से कम कर सकते हैं या उसको अपने लाइफ साइकिल को इंक्रीज अपने जीवन चक्र को अपने दैनिक दिन, दिनचर्या है उसमें चेंज लाकर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं लेकिन टाइप वन खत्म नहीं हो सकता ये कब होता है बच्चों तो मेरी बात सुनो या तो होगा ये जेनेटिकली जेनेटिकली का मतलब है अनुवांशिक तौर पे मतलब या तो आपके किसी खानदान में पहले किसी को रही होगी या बच्चों ये जो ये वाला <coughs> जो डायबिटीज़ है ये डिपेंड करता है बच्चे के इम्यून सिस्टम पर बच्चे के इम्यून सिस्टम पर और इम्यून सिस्टम का मतलब समझते हैं प्रतिरक्षी तंत्र हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता भी है और बीमारी कर भी देता है दोनों पॉइंट ध्यान से सुनना हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाने का काम भी करता है और कभी कभी तो वो इतना एक्टिव हो जाता है कि वो हमारे बॉडी में ही अंदर ही अंदर डिजीज़ करने लग जाता है तो बच्चों का इम्यून सिस्टम जो होता है वो इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज पे अटैक करता है कैसे करता है क्यों करता है ये सब नहीं जानना है आपको बच्चे के अग्नाशय के ऊपर अटैक करता है मतलब इस यहाँ पर इम्यून सिस्टम में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ वगैरह बनी हुई हैं वो एंटीबॉडीज़ अचानक से ही अचानक से तो नहीं कर सकते या तो कोई जेनेटिकली उनमें चेंज आया है या वो एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा बन गई हैं या इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यून सिस्टम ऑन हो गया है तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है उस बच्चे की पेनक्रियाज़ के ऊपर अटैक करता है और पेनक्रियाज के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो उसका पेनक्रियाज हो जाता है डैमेज उसका पेनक्रियाज हो जाता है ख़राब और जैसे ही पेनक्रियाज डैमेज होता है तो ऐसे बच्चों में किसकी कमी हो जाएगी इंसुलिन की कमी हो जाएगी और जब इस बच्चे में इंसुलिन की कमी होगी तो इस बच्चे के बॉडी के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी ज़्यादा और ब्लड शुगर ज़्यादा होते ही क्या हो जाएगा उसे डायबिटीज हो जाएगा ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा होते ही बच्चों इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ का नाम दिया जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी डायबिटीज है जिसमें बच्चे का पेनक्रियास खराब हो जाता है और या पैनकिया नष्ट होने लग जाता है तो आप क्या बताएंगे वो जुवेनाइल डायबिटीज है यहां पर पेनक्रियाज खराब होएगा पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा इस बच्चे के अंदर शुगर की मात्रा अधिक होने लग जाएगी और इसे डायबिटीज हो जाएगा इसी को जुवेनाइल डायबिटीज का नाम दिया जाता है फिर क्या होगा इस बच्चे को लगेंगे इंजेक्शन इसको

अब आते हैं टाइप टू वाले डायबिटीज़ पर जब हम टाइप टू डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों ये जो डायबिटीज़ है ना ये डिपेंड करता है टाइप टू वाला अच्छा इसको यहाँ ले जाओ इसको यहाँ ले जाओ यहाँ हम टाइप टू लिख देते हैं दूसरी तरफ लिखेंगे आप, आप टाइप टू वाला तो टाइप टू वाले डायबिटीज में क्या होता है बच्चों ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ साइकिल पर आपकी लाइफ साइकिल का मतलब है कि आप आपका जो दैनिक चक्र है आप एक दिन में कैसे रहते हैं कैसा खाना खाते हैं आपकी डाइट पे डिपेंड करेगा आप डाइट में कैसे क्या चीजें लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिठाई ज्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं एक्सरसाइज करते नहीं हैं ना वो जॉगिंग करते हैं ना वो रनिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खाते जाते हैं खाते जाते हैं पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब खाते जाते हैं खाते जाते हैं और इनके बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और एक टाइम के बाद उनको शुगर की शिकायत हो जाती है उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है तो ये टाइप टू वाला है ये आपका एक दिन में कैसे कितनी डाइट है आप कैसी डाइट खा रहे हैं आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है इन सब पे डिपेंड करता है तो ये वाला जो टाइप टू वाला डायबिटीज़ है उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं अब बाहर से शुगर कम लो फीकी चाय पियो और दूध भी फीका पियो या आप चीनी बिल्कुल भी चीनी आपको टच भी नहीं करनी है बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है फ्रूट्स कम लेनी है प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा लेना है आपको ये सब काम करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं या अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा भी रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करें आप जिम जाएँ या योगा जाएँ योगा करें या आप जन रनिंग करें या आप जॉगिंग करें यह सब आपको करना है ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं पिज़्ज़ा बर्गर ये सब फ्रूट्स खा रहे हैं जूसेस पी रहे हैं मिठाई खा रहे हैं और आपके बॉडी में शुगर का अमाउंट बढ़ता जा

प्रोटीन ज्यादा ले लो डाइट में फैट ज्यादा ले लो कार्बोहाइड्रेट कम कर दो जब आपके बॉडी में है ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा तो ठीक है अब बच्चों आप सोच रहे होंगे मैम कितनी मात्रा होती है शुगर की मतलब कितना आना चाहिए शुगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि कितना अधिक होगा तो हमें डायबिटीज हो जाएगा हमें पता तो होना चाहिए कि शुगर की मात्रा कितनी आ रही है आपने कभी चेक करवाया है अपना तो देखो शुगर को हम दो तरीके से चेक करते हैं एक करते हैं बिफोर मील बिफोर मील का मतलब है खाना खाने से पहले या डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं फास्टिंग डॉक्टर बोलता है आपका शुगर चेक करना है तो आप खाना नहीं खाइएगा हमें खाना खाने से पहले भी शुगर चेक करना है कि आपके बॉडी में जो ऑलरेडी ग्लूकोज है उसका लेवल क्या आ रहा है खाना खाने के बाद मतलब खाने में आपने कितनी कार्बोहाइड्रेट खाई हैं उसके बाद कितना आ रहा है तो अगर बिफोर मील की बात करें तो वो आना चाहिए सेवेंटी टू एग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड मिलीग्राम पर डीएल डीएल का मतलब होता है डेसी लीटर डीएल का मतलब ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है यहाँ पे डेसी लीटर ऑफ ब्लड कहने का मतलब हो गया कि एक डेसी लीटर ब्लड में सत्तर से अस्सी मिलीग्राम आना चाहिए अगर आपका शुगर का लेवल आ रहा है 70 टू 80 कब खाना खाने से पहले इतना आना चाहिए अगर इससे ज्यादा आ रहा है मान लो आपका खाना खाने से पहले 100 120 आ गया तो आपको शुगर है ठीक है अब आफ्टर मील आफ्टर मील का मतलब है खाना खाने के बाद कितना आना चाहिए कि आपने जो खाने में कार्बोहाइड्रेट ली हैं उसके बाद कितना आना चाहिए तो 180 के अप्रोक्स 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड मतलब खाना खाने के बाद 170, 180, 185 आना चाहिए लेकिन खाना खाने के बाद आप में आ रहा है 200, 240, 250 आपको शुगर है आपको शुगर की शिकायत है तो याद रखिएगा ये खाना खाने से पहले सत्तर अस्सी आना चाहिए खाना खाने के बाद अप्रोक्स 180 के लमसम घूमना चाहिए आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है बच्चों बता दोगे तो ये बात आप नोट कर लेना इस चीज़ को अच्छे से डायबिटीज तो दो प्रकार की होती है टाइप वन वाली जेनेटिक्स भी हो सकती है और वो मेनली बच्चों में देखी जाती है उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं टाइप टू वाली आपकी दैनिक चक्र पर डिपेंड करती है दैनिक चक्र का मतलब है आपकी डाइट कैसी है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं आप और आप जॉगिंग कर रहे हैं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और आप जंक फूड कितना खा रहे हैं या आप मीठी चीज़ें कितनी खा रहे हैं उन सब पे डिपेंड करेगा ओके okay? तो इंसुलिन का आपको समझ में आ गया बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया इंसुलिन हमारा ख़त्म अब हम चलेंगे एल्फा सेल अब लिखेंगे हम एल्फा कोसिका भाई तीन कोशिका बताई ना मैम ने अल्फा बीटा डेल्टा तो बीटा खत्म क्योंकि बीटा से इंसुलिन निकलता है इंसुलिन सारा पढ़ा दिया हमने अब चलेंगे हम अल्फा सेल अब जब हम अल्फा सेल की बात करेंगे तो अल्फा सेल जो हार्मोन रिलीज़ करती हैं उसको बोलते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। सबसे पहले तो इसका नाम लिखो ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा सेल क्या रिलीज करती हैं ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज़ करती हैं अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बातें सुनना जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट उल्टा काम करता है ग्लूकागोन हारमोन क्या बोला मैम ने जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट उल्टा काम करता है ग्लूकागोन हार्मोन। मैम क्या मीनिंग है इस बात का तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों आप इतनी बात जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनो हम एक दिन में इतने सारे काम करते हैं आप अभी पढ़ रहे हैं आप अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं तो दिमाग के अंदर जो ऊर्जा है उसको खर्च कर रहे हैं मैं बोल रही हूँ मैं चल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ मैं अपना दिमाग खर्च कर रही हूँ मतलब मैं अपने बॉडी की एनर्जी खर्च कर रही हूँ ऊर्जा खर्च कर रही हूँ आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होती है एनर्जी ऊर्जा चाहिए होती है और हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है ए टी पी हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है वो ए टी पी की फॉर्म में होती है और जिसका फुल फॉर्म होता है एडीनोसिन ट्राई फोसफेट एडिनोसाइन अब बच्चों ये ए बनता कैसे है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो जब ग्लूकोज ये ग्लूकोज आया जितनी भी सारी चीजें हम खाते हैं वो सब अल्टीमेटली हमारे में ग्लूकोज में ही बदल जाती हैं हमारे बॉडी में ग्लूकोज आया इस ग्लूकोज को तोड़ती है ऑक्सीजन हम मैंने सांस ली एयर लिया एयर में ऑक्सीजन भी है 21 परसेंट में ऑक्सीजन होता है समझ रहे हैं और वो ऑक्सीजन आया ये ऑक्सीजन गया मेरे एक एक सेल के पास और मेरी सेल के पास ग्लूकोज था और जैसे ही ऑक्सीजन गया ग्लूकोज के पास यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होगा और ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देगा और तोड़ने से यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ए और ए का मतलब क्या है ऊर्जा और इसी ऊर्जा को काम में लेकर हम एक दिन में जितने भी काम करते हैं वो सारे हमारे ऑर्गन्स इस ऊर्जा को काम में लेंगे जैसे हमारा हार्ट है वो क्या करता है वो ब्लड को पंप करता है जानते हैं ना ये बात आप कि हार्ट ब्लड को पंप करता है और पंप करके हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसफर कर देता है तो पंप करना एक कार्य है एक काम है और काम करने के लिए हार्ट को भी क्या चाहिए होगी ऊर्जा चाहिए होगी तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो इस ए को काम में लेंगे और क्या होगा बच्चों हमारे ऑर्गन्स हमारा सिस्टम हमारा बॉडी काम करता रहता है अब आपने आप देखते होंगे जब आप फास्ट करते हैं नवरात्रों के टाइम पर आप बाहर से खाना नहीं खाते जब खाना नहीं खाते आपके बॉडी में किसकी कमी हो जाती है ग्लूकोज की तो आपके शरीर में क्या एनर्जी की कमी हो जाती है ठीक है अब मेरा मेरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने बोला ग्लूकागोन हॉर्मोन वही काम करता है जि, आ, उस इंसुलिन का जस्ट अपोजिट काम करता है अपोजिट का मतलब होता है उल्टा अब सुनो बच्चों इंसुलिन ने क्या काम करा था प्रीवियस स्लाइड में आओ इंसुलिन ने किया था मैम ऐसे लिख दूं सीधा अगली स्लाइड पे लिख देती हूँ चलो मैं ओ फो कहाँ चला गया चलो मैं वापस लिख देती हूँ कोई बात नहीं तो आप लिखोगे अल्फा सेल और अल्फा सेल से क्या निकला ग्लूकागोन हार्मोन निकला अब बच्चों सबसे पहले तो इस ग्लूकागोन हार्मोन की खोज लिख लो किसने की थी दो साइंटिस्ट जुड़े थे किम्बॉल एंड मुरलीन किम्बॉल एंड मुरलीन अब अब मुरलिन मुरली नहीं है ये ये मुरलीन है ठीक है अब देखो बच्चों ये हार्मोन क्या काम करेगा जो काम किसने किया इंसुलिन ने पहले मैं यहाँ पर इंसुलिन का लिख रही हूँ यहाँ स्टार करके इंसुलिन ने क्या किया था ग्लूकोज को किसने बदला था बच्चों ग्लाइकोजन में बदला था ठीक है और ये ग्लाइकोजन स्टोर हो गया था कहाँ कहाँ पर लीवर में हो गया था और दूसरा किसके अंदर हो गया था मैम हमारे एडिपोज टिश्यू में हो गया था किस में एडिपोज टिश्यू में लेकिन अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना आप अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर हो रहा था फैट लेकिन यहाँ पर हमने जबरदस्ती किसको स्टोर करवा दिया कार्बोहाइड्रेट को सुगर को अब ये काम किसने किया इंसुलिन ने अब क्या हुआ बच्चों आपके बॉडी में कमी हुई किसकी ग्लूकोज की मान लो आप बाहर से खाना नहीं खा रहे हैं नवरात्रों में आप नौ दिन खाना नहीं खाते हैं फिर भी आप नहीं मरते आप एक महीना खाना ना खाओ फिर भी नहीं मरोगे आप क्यों नहीं मरोगे आज आपको इसका आंसर मिलेगा क्यों नहीं मरोगे क्योंकि बच्चा आपके बॉडी में ग्लाइकोजन है ठीक है और आपके बॉडी में हार्मोन है तो अब क्या होगा और एनर्जी किसके टूटने से मिलती है ग्लूकोज के टूटने से तो आप बाहर से जब खाना नहीं खा रहे हैं तो बाहर से ग्लूकोज नहीं आ रहा है हमारे बॉडी में तो हमारी सेल्स चिल्लाएंगी हमें ग्लूकोज चाहिए हमें ग्लूकोज चाहिए हमें ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है ऊर्जा मिलता है बेचारी सेल्स बोलेंगी हमारे ऑर्गन्स बोलेंगे भाई हमें काम करना है आपका हार्ट बोलेगा मुझे एनर्जी चाहिए मुझे ब्लड को पंप करना है तो मुझे ऊर्जा दो और ऊर्जा किसके टूटने से मिलेगी ग्लूकोज के टूटने से लेकिन आप तो फास्ट कर रखे हैं आपने तो माता रानी का फास्ट किया है अब आप कोई इंसान रोजे करता होगा रोजों में देखो एक महीने इंसान भूखा रहता है फिर भी कुछ नहीं होता ठीक है तो आपकी सेल्स बोलेंगे हमें ग्लूकोज चाहिए ग्लूकोज चाहिए ग्लूकोज बाहर से आप खा नहीं सकते तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में हार्मोन निकलेगा कौन सा ग्लूकागोन हारमोन और यह क्या करेगा यह बोलेगा लीवर और एडिपोज टिश्यू को कि सुनो तुम लोगों के पास जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो मुझे दो वो मुझे दो और फिर क्या करेगा आपका ग्लूकागोन हार्मोन इन दोनों के पास जो स्टोर था क्या ग्लाइकोजन उसको बदल देगा किस में ग्लूकोज में कौन से हार्मोन ने किया ये काम ग्लूकागोन हार्मोन ने किया और इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा टूटेगा यहाँ से एटीपी निकलेगी ऊर्जा बनेगी <coughs> और इसी ऊर्जा को काम में लेकर आपके बॉडी ऑर्गन्स काम करते रहेंगे काम करते रहेंगे काम करते रहेंगे <coughs> लेकिन जिस दिन आपके लीवर और एडिपोस टिश्यू के पास बिल्कुल भी ग्लाइकोजन नहीं मिलेगा बाहर से भी खाना नहीं खा रहे हो तब तो मरना है ही ना तब तो हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे तो बच्चों बताओ इसने क्या किया ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला इसने क्या किया ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदला मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दू कि ये जो हारमोन है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलता है क्योंकि नॉर्मली तो आप खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है तो हमें इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना ही नहीं है इस हारमोन को कहा जाता है फास्टिंग हारमोन फास्टिंग का मतलब है जब आप वर्थ वगैरह करते हैं है ना फास्ट हार्मोन मतलब आपने वर्त कर रखा है या आपका ब्रेकअप हो गया अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई तो आपने पांच दिन खाना नहीं खाया तब ये निकलता है बच्चों ठीक है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वर्त में कौन सा हार्मोन फास्टिंग के टाइम पर कौन सा हार्मोन निकलता है कहने का मतलब है जब आप बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं तब कौन सा निकलता है ग्लूकागोन हारमोन निकलता है तो ये बात आप याद रखेंगे ओके समझ में आ गया कि ग्लूकागोन क्या काम करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा अब बच्चों बताओ जो इंसुलिन ने काम किया उसका जस्ट अपोजिट किसने किया है ग्लूकागोन हार्मोन ने तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए काउंटर एक्ट हार्मोन कहलाए ये एक दूसरे के अपोजिट हार्मोन कहलाए एक दूसरे के विपरीत हार्मोन कहलाए कहने का मतलब एक ने जो काम किया उसका जस्ट अपोजिट दूसरे ने काम किया तो ये दोनों काउंटर एक्ट हार्मोन कहलाते हैं एक कल की क्लास में पढ़ाया था कौन कौन सा कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरोक्सी हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है चलो अब तीसरा चलते हैं अब तीसरा चलते हैं कौन सा डेल्टा सेल डेल्टा कोशिका और डेल्टा कोशिका जो हार्मोन रिलीज करती हैं उसका नाम होता है सोमैटोस्टैटीन सोमैटोस्टैटीन हार्मोन नाम लिख लिया ना इसके ज़्यादा कोई काम नहीं होते हैं एक ही काम करता है सोमैटोस्टैटी हार्मोन क्या काम करता है सुन लीजिए कल मैंने आपको पढ़ाया था कि बी एम आर होता है हमारे बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है किसी को नहीं समझ में आए प्रीवियस क्लास देखो बी एम आर रेट और मैंने बताया था हमारी जो सेल्स हैं उनके ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की जो शक्ति होती है जो पावर होती है जो रेट होती है। उसको हम बीएमआर बोलते हैं तो इस हारमोन का भी काम होता है टू रेगुलेट बी एम आर रेट यह हारमोन भी संतुलन बनाकर रखने का काम करता है। हारमोन भी बीएमआर को रेगुलेट करने का काम करता है कि भाई कौन सी सेल के पास कितना ऑक्सीजन जाएगा कौन सी सेल कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगी? भाई जब ऑक्सीजन जाएगा तभी तो ग्लूकोज टूटेगा है ना तो ये भी किससे रिलेटेड हुआ एनर्जी बनाने से ही रिलेटेड हुआ क्योंकि अगर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करेंगी हमारी सेल्स तो ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं जब ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं तो ऊर्जा तो बनेगा ही नहीं तो ये हार्मोन भी क्या काम करता है हमारे बॉडी में ऊर्जा बनाने में सहायक होता है तो ये बीएमआर को रेगुलेट करने का काम करता है तो ये भी नोट कर लेना अच्छा बी पर एक कौन सा हार्मोन बताया था कल तो बी पर एक तो सोमेटोस्टैटिन काम करता है और दूसरा थायरोइड भी काम करता है थायरॉइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं वो भी इस पर काम करते हैं तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना कि थायरोक्सिन और सोमेटोस्टैटिन दोनों ही बी पे काम करते हैं अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पूछेंगे बी एम आई बी एम आई यहाँ नहीं पढ़ाती मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको ठीक है तो ये तीनों हार्मोन नोट कर लेना आपका पेनक्रियास खत्म हो जाएगा इंसुलिन ग्लूकागोन ग्लु, एंड सोमैटोसटाइटिन बीटा सेल सबसे ज़्यादा होती हैं और बीटा ही इंसुलिन बनाती हैं और इंसुलिन की कमी से ही हमें क्या होता है बच्चों डायबिटीज़ होता है ये बात आप नोट कर लेना इतनी बात आप नोट कर लेंगे फिर मैं अगली ग्लैंड पे चलूँ अगली ग्रंथी पढ़ाऊँ आपको यहाँ पर चलिए तो ये आपको इतना नोट हो गया होगा तो हमारी तीन ग्लैंड कंप्लीट हो गई हैं पहली हमने पढ़ाई थाइरोयड दूसरी हमने पढ़ाई पैराथाइरयड और तीसरी हमने पढ़ाई पैनक्रिया अग्नासे अब हम चौथी पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड तो चार नंबर पे लिखिए थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्रंथि जो एक ही हार्मोन बनाती हैं सिर्फ कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों डोंट वरी है ना तीन क्लास तो लगती हैं इसको खत्म करने में तीन क्लास तो लगेंगी ही लगेंगी थाइमस ग्लैंड जिसको थाइमस ग्रंथी बोलते हैं सबसे पहला ये कहाँ पाई जाती है ये होती है चेस्ट में हमारी चेस्ट में चेस्ट में कहां होती है जो हमारा हार्ट होता है हार्ट जो होता है वो आपका थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है यहाँ पर ठीक है तो नियर बाय हार्ट हृदय के पास होती है नियर बाय हार्ट लिख देना हमारा जो हार्ट हमारा जो हृदय होता है उसके पास में होती है चेस्ट कैविटी में होती है ओके बच्चों पॉइंट समझ में आ गया अब बच्चों ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है जैसे जैसे आपकी उम्र के साथ कम होगा घटेगा ठीक है घटता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका साइज डिक्रीज होने लग जाता है कब आफ्टर 26 ईयर ऐसा कहा जाता है 26 साल के बाद इसका साइज कम 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 होते जाता है और जो बूढ़े लोग होते हैं ना उसमें इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है जो ऑल डेज पीपल्स होते हैं पीपल होते हैं उनमें इसका आकार छोटा हो जाता है अब कैसे होता है सबसे बड़ा कब होता है तो मैं एक ग्राफ बना रही हूँ आप इसको ऐसे समझ लेना ये उम्र है आपकी जीरो से पाँच साल पाँच साल के बाद ये बनना स्टार्ट हो जाता है और ये जो उम्र है वो है पंद्रह से पच्चीस साल वाली पंद्रह से पच्चीस साल के हैं आप 25-26 साल के हैं तो इसका साइज सबसे बड़ा रहता है आफ्टर 26 सिक्स धीरे 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 ये उम्र बना देना 50 से 55 साल ऐसा कहा जाता है 55-60 साल के बाद बहुत छोटी हो जाती है ठीक है तो आप याद रखेंगे जब आप जवानी में होते हैं है ना ये जवानी तो है जवानी में आपको सर्दी बुखार जुखाम होता है तो आपकी मम्मी क्या बोलती हैं अरे तू तो, तो जवान है बेटा तेरे को क्या तीन दिन, दिन में जुखाम ठीक हो जाएगा लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको आपको दवाइयाँ खानी ही खानी पड़ेंगी क्योंकि आपके अंदर थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा हो चुका है अभी हम समझाते हैं ये ग्लैंड क्या करता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है सिर्फ एक ही है थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है हमारी चेस्ट में अब बात करते हैं बच्चों कि ये कौन सी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये ग्लैंड तो इसके द्वारा एक हार्मोन बनाया जाता है जिस हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन इसका नाम लिखो था एक ही हार्मोन रिलीज करेगी सिर्फ एक हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन अब ये थायमोसिन क्या करता है इसके द्वारा थायमोसिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है अब ये थायमोसिन क्या करता है? उसको भूल जाओ और यहां पर आओ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूं एक मिनट में पानी पी लो फिर आपको बताती हूं देखो देखो बच्चों, आपके बॉडी में ब्लड होता है खून है जानते हैं पाँच से छः लीटर खून होता है खून में एक टाइप की सेल होती हैं वैसे तो तीन टाइप की होती हैं लेकिन हमारे काम की कौन सी हैं एक होती हैं डब्ल्यू जिनको हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कोशिका या वाइट ब्लड सेल्स और ये ब्लड सेल्स क्या करते हैं ये ब्लड सेल्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं हमारे बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया जब भी कोई वायरस जब भी कोई इन्फेक्शन बाहर से आता है हमें बीमारी करने के लिए तो हमारे बॉडी में जो डब्ल्यू बी सी हैं वो उस इन्फेक्शन पे अटैक करती है और उसे मार देती है ताकि वो हमें बीमारी ना करे अब बच्चों इस डब्ल्यू बी सी में एक टाइप होता है लिम्फोसाइट ध्यान से नोट करना लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट डब्ल्यू बी सी का प्रकार है और लिफोसाइट भी दो होते हैं एक होता है बी एक होता है टी लिम्फोसाइट बी टी टी का मतलब होता है यहाँ पर टारगेट सेल मतलब जहाँ कोई टारगेट पार्ट है मान लो मेरे फेफड़ों में कोई वायरस आया तो फेफड़ा इसका क्या हो जाएगा टारगेट पार्ट हो जाएगा और उसी फेफड़े के टारगेट पार्ट पे जहाँ पर वायरस है उसी पे जाकर ये उस वायरस पर अटैक करेगा उस वायरस को मार देगा मेरी बातें ध्यान से सुनने की कोशिश करना प्लीज़ है ना एक एक चीज देखिए मैंने बोला हमारे ब्लड में क्या होती हैं एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यू होती हैं वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और इनमें भी एक टाइप होता है लिम्फोसाइट और लिफ़ोसाइट दो प्रकार की होती हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट और ये बी और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो टारगेट पार्ट पे जाकर अटैक करती हैं कोई भी इन्फेक् इन्फेक्शन जो बाहर से आया है कोई भी संक्रमण जो बाहर से आया है हमारे बीमारी करने वो बैक्टीरिया हो सकता है वो वायरस हो सकता है जीवाणु विषाणु

अब बोन मैरो क्या होता है एक हड्डी है उस हड्डी के बीच में एक खोखली सी जगह है हड्डियां अंदर से खोखली होती है जानते हैं ना आप अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं हमारी हड्डियों के अंदर बहुत सारा एक खाली जगह पड़ा है एक खोखला पार्ट पड़ा है और इसी खोखले पार्ट को हम बोन मैरो बोलते हैं और इसी के अंदर क्या बनता है ब्लड कहने का मतलब है इसी के अंदर लिम्फोसाइट्स बनती हैं तो बच्चों अब मेरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये हार्मोन क्या काम करता है इसका फंक्शन लिखना इसका कार्य लिखना तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना ये लिम्फोसाइट जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं कौन कौन सी बी और टी लिम्फोसाइट ये बी और टी लिम्फोसाइट यहाँ बनती हैं किसके अंदर बोन मैरो में सिर्फ बनी हैं ये लेकिन बनने के बाद यहां से बाहर निकल जाएंगी ब्लड के थ्रू और ये ब्लड घूमता 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 कौन सी ग्रंथि के पास आएगा थायरॉयड ग्लैंड के पास और थायरॉयड ग्लैंड के पास कौन सा हार्मोन है थायमोसिन और ये बी और टी लिम्फोसाइट यहाँ आएंगी और यहाँ आकर ये यह होती हैं मैच्योर और मैच्योर का मतलब समझते हैं आप मैच्योर का मतलब समझते हैं वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि गुरुकुल हुआ करते थे या बोर्डिंग स्कूल्स हॉस्टल्स हम बच्चे का जन्म होता है उसके घर पे। लेकिन बाद में पुराने ज़माने में गुरुकुल में उसको हथियार चलाना अस्त्र शस्त्र चलाना उसे सिखाते थे ठीक है ऐसे ही कि कोई दुश्मन का अटैक हो जाए तो आपको तलवार चलानी आनी चाहिए आपको बंदूक चलानी आनी चाहिए सब तो वो कहाँ सीखता था गुरुकुल में सीखता था तो ऐसे ही बच्चों ये बी और टी लिम्फोसाइड का घर क्या है घर तो ये हुआ क्योंकि बनी तो यहाँ है लेकिन ये मैच्योर होने के लिए किसके पास गई थाइमोसिन हार्मोन के पास और यहाँ से यहाँ से आई तो छोटी सी बच्ची थी ये बेचारी लेकिन इसके पास आई इसने इसे इसे क्या कर दिया बड़ा कर दिया बड़ा का मतलब इसे मैच्योर कर दिया और अब मैच्योर होने के बाद ये क्या करेंगी ये लड़ाई करेंगी और लड़ाई किसके साथ इन्फेक्शन के साथ इनका दुश्मन कौन है इन्फेक्शन इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण अब संक्रमण तो किसी भी प्रकार का हो सकता है मान लो कोई बैक्टीरिया आया कोई वायरस आया कोई फंगस आया तो जैसे ही हमारे बॉडी में आया ये इंतज़ार करती हैं बी और टी लि इनको पता लगेगा ओ बैक्टीरिया आ गया मेरा टारगेट ये है आएंगे इस बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे इसे मार देंगे तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बी और टी लिम्फोसाइट होती हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं तो वो दोनों बनती कहाँ हैं बोन मैरो में अस्थि मज्जा में लेकिन वो मैच्योर होने के लिए कहाँ जाती हैं थाइमस ग्लैंड के पास और ये हॉर्मोन बी और टी लम्फोसाइट को मैच्योर कर देता है और मैच्योर करने के बाद वो इंफेक्शन से फाइट करने के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मुझे बताओ थाइरोइड ग्लैंड जो सॉरी थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले थाइमोसिन हॉर्मोन क्या हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है आप बताओगे यस इम्यूनिटी इंक्रीज करने में काम आता है मतलब रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है और कैसे तो बी और टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करके उन्हें लड़ना सिखाता है उन्हें मैच्योर कर देता है तो ये ग्रंथि इम्यूनिटी इंक्रीज करने में सहायक होती है इसीलिए बच्चों मैंने कहा कि इस ग्रंथि का आकार 25, 26 या 22, 23 जब आप जवानी में हैं तो आपको कोई बैक्टीरिया आया वायरस आया मान लो और आपको जुखाम हो गया तो आपकी मम्मी या डॉक्टर क्या बोलते हैं या आप भी क्या बोलते हैं अरे दो तीन दिन, दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा क्यों ठीक हो जाएगा मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा मैं दवाई नहीं ले रहा क्यों ठीक हो जाएगा क्योंकि आप में थाइमस ग्लैंड बड़ी है और बड़ी का मतलब थाइमोसिन हार्मोन निकल रहा है निकल रहा है इसका मतलब बी और टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कर रहा है और बिना दवाई खाए जो काम दवाइयाँ करेंगी वही काम तो बी और टी लिम्फोसाइट करती हैं तो ये कर देंगी लेकिन बच्चों जब इस ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता है और छोटा कब होता है बुढ़ापे में ऑल डेज में तो जब बूढ़े लोग होते हैं <coughs> उन लोगों में इस ग्रंथि का आकार छोटा हो जाएगा और उन लोगों में थायमोसिन बहुत कम बनता है और जब थायमोसिन कम बनेगा तो बच्चों ये दोनों क्या मैच्योर हो पाएंगी क्या ये लड़ पाएंगी इन्फेक्शन्स के अगेंस्ट नहीं लड़ पाएंगी और जब नहीं लड़ेंगी तो बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी कम होगी या ज़्यादा कम होगी मैम तो बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी लेवल क्या रहता है लो रहता है इसीलिए बुढ़ापे में जब आपको जुखाम खांसी होगी तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी क्यों क्योंकि बी और टी लम्फोसाइड क्या नहीं हो पा रही हैं मैच्योर नहीं हो पा रही हैं तो इस ग्रंथि का आकार घटने से या थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा कम बनने पर आपका इम्यूनिटी लेवल क्या हो सकता है लो आपके बॉडी में इम्यूनिटी लेवल कम हो सकता है तो ये था ये मसलेंट तो पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस पैंतीस साल तक तो अगर आपको जुखाम है तीन चार महीने में एक बार जुखाम हो रहा है तो अच्छी बात है घबराएं नहीं तीन चार महीने में एक बार बुखार है तो दवाई लेने की जरूरत नहीं है बुखार और जुखाम आपको यह बता रहा है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है इसीलिए तीन चार महीने में एक बार जुखाम एक बार खांसी एक बार बुखार हो रहा है कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है आपको क्यों नहीं है जरूरत क्योंकि बच्चों आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा आपको जब जुखाम होगा वायरस आएंगे तो क्या होगा बी और टी उन अटैक करेंगे तो आपको पता लगेगा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है लड़ लड़के, लड़ लड़के, इंसान क्या हो जाता है पक्का हो जाता है है ना जैसे आ, आपके घर में नई नई शादी होती है लड़का और लड़की की तो अरेंज मैरिज होती है तो पता नहीं लगता है आ, लड़की नई नई आती है एक बार लड़ती है तो लड़का क्या सोचता है हाय कितनी लड़ाकू है ये तो दो बार लड़ती है तीन बार लड़ती है फिर रोज का ही हो गया उसका एक दिन में पांच बार लड़ना स्टार्ट कर दिया तो लड़का क्या करता है अब इसका काम ही है वो उसकी सुन सुन के एकदम मैच्योर हो चुका होता है ना एक कान से सुनता है एक कान से निकालता है कि ये तो ऐसे ही करेगी ये तो लड़ेगी ही लड़ेगी वही बात है कि आपको अगर एक बार जुकाम खांसी हो रहा है तो घबराए नहीं कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है मैं कभी नहीं खाती मैं भी नहीं खाती हाँ अगर वो बुखार जुखाम चार पाँच दिन तक लगातार है डेंगू है मलेरिया है अगर नॉर्मल जुखाम है तो नॉर्मल बुखार है तो आपको कुछ दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है आपके बॉडी में है बी और टी लिम्फोसाइट अपने आप फाइट कर लेंगी और इससे पता लगेगा आपका इम्यूनिटी लेवल कैसा है अगर चार पाँच दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है आपको डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है लेकिन आजकल तो बहुत सेंसिटिव केस चल रहा है कोरोना के काल में तो आजकल तो हल्का सा भी जुखाम होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं है ना तो आजकल आजकल के केस में नहीं बोलूंगी मैं ऐसा पता लगे तुम लोगों को जुखाम खांसी एक महीने से है और तुम्हें कोरोना है और तुम बोलोगे काजल मैम ने बोला था जुखाम खांसी अच्छा होता है इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं गया और आपके फेफड़े में पूरा क्लोट बन गया है तो वो नहीं होना चाहिए चलिए तो ये आपका थाइमस ग्लैंड कंप्लीट चार ग्रंथियां होगी इससे ज़्यादा थाइमस से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको इतना ही याद रखना है चलो नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों पाँच नंबर पर कौन सी तो अब हम पढ़ेंगे आइड्रीनल ग्लैंड चलो इसी से स्टार्ट करते हैं एड्रीनल ग्लैंड आइड्रीनल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि अब इसके ग्रंथि के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं एक मिनट दीजिए थोड़ा सा मेरी सांसें फूल रही हैं देखिए आप, चलो चलो इस पे बात करते हैं सबसे पहले कितनी होती है, One pair. One pair का मतलब होता है दो कहाँ होती है ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्ष हमारे गुर्दे होते हैं दो यहां पर दोनों गुर्दे यहां पर होते हैं ठीक है किडनी होती है ऐसे एक किडनी ऐसे दूसरी किडनी ऐसे होती हैं सोयाबीन जैसी सोयाबीन खाते हैं आप उसके जैसी और उस पर होती हैं ऐसे एक आइड्रीनल दूसरी आइड्रीनल तो इसकी लोकेशन लिख लेना ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी किडनीज के ऊपर होती हैं दोनों किडनियों के ऊपर होती हैं दो अब बच्चों होता क्या है इस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं देखना कैसे इसको मैं वापस बना रही हूँ यहाँ पर मान लो ये आपकी किडनी है और इस किडनी के ऊपर आपका ऐसे एड्रिनल ग्लैंड है ऐसे ये दो भागों में बंटा हुआ होता है एक भाग तो इसका ये हो गया एक पार्ट तो इसका ये वाला हो गया ये वाला जो मैम ने फिल कर दिया है ब्लू वाला ये पार्ट हो गया और एक ये अंदर वाला जो खाली पड़ा है तो दो पार्ट में आपकी एड्रिनल ग्लैंड बंटी हुई होती है इसको ये जो आउटर वाला है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये है आपका आउटर पार्ट और इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स को बोलते हैं हिंदी में वलकुट भाग और ये बाहरी है बच्चों ये आउटर है और ये वाला जो है ये अंदर वाला जो मैंने इस कलर का बनाया है ये कहलाता है बच्चों क्या आपका मैड्यूला ये आपका कहलाता है क्या मैडूला तो इसको बना लेंगे आप क्या मैड्यूला तो ये आंतरिक है और मैडूला को हिंदी में बोलते हैं पिंड भाग पिंड पिंड भाग दो पार्ट है, है, तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों पार्ट अलग अलग हार्मोन बनाएंगे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे भाई जब दो पार्ट है तो अलग अलग हार्मोन बनेंगे तो हम देखते हैं पहले मैड्यूला पार्ट से कौन से हार्मोन निकलते हैं ठीक है फिर हम चलो कॉर्टेक्स कर लो पहले कॉर्टेक्स से देख लेते हैं कौन से हार्मोन निकलते हैं तो ध्यान से सुनना मेरी एक एक बातें ये थोड़ी सी यहाँ पर नाम बहुत टफ से आने वाले हैं लेकिन आपको कौन सा रिटर्न एग्जाम देना है आपको तो ऑप्शन देखने हैं तो ऑप्शन से आप क्लिक कर दोगे चलो पहले हम देखते हैं कॉर्टेक्स पार्ट से जैसा आप बोले हम वैसा ही पढ़ा देंगे कॉर्टेक्स से तो कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट जिसको हम वलकुट भाग बोलते हैं और किडनी के ऊपर होती हैं ये ग्लैंड याद रखिएगा इससे हमें हमारे बॉडी में तीन हार्मोन रिलीज होते हैं ये चीज़ ध्यान से सुनना बच्चों मेरी ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है जो आयरिनल ग्लैंड है उसके बाहरी भाग से कितने हार्मोन निकलते हैं ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है सीधा का सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है देखो इसको कहा जाता है बच्चों इससे तीन हारमोन निकलते हैं अब नाम जैसे भी हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे पहला नाम है ग्लूको कोर्टिकोइड्स ग्लूको और इसी हार्मोन का एक नाम और भी होता है इसको हम कोर्टिसोल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोर्टिसोल हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है तो कौन सी ग्रंथि लिखी है मैम ने ऊपर एड्रिनल ग्लैंड बनाती है एरियन ग्लैंड के आउटर पार्ट से सबसे पहला हार्मोन निकला उसको ग्लूको हिंदी में सेम नाम है उसी का दूसरा नाम होता है कोर्टिसोल ये पहला हो गया दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर मिनरेलो कोर्टिकोइड्स दूसरा हार्मोन होता है उसको बोलते हैं हम मिन कोर्टिकोइड्स कोर्टिकोइड्स के आगे मिनरेलो लगा दो सेम नाम हिंदी में है मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स 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 ठीक है चलो इसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन इस हार्मोन का जो दूसरा नाम होता है उसको कहा जाता है एल्डेस्टेरोन इसको यहाँ पर ऐसे फिट कर दो इसका दूसरा नाम लिखो एल्डिस्टेर अब आपसे कोई पूछ ले कि एल्डिस हार्मोन कौन बनाता है तो आपका आंसर क्या आएगा कौन सी ग्रंथि है एड्रीनल और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं एंड्राजन हार्मोन एंड्राजन हार्मोन एंड्राजन एंड्राजन तो सुना होगा आपने एंड्राजन जय आएगा एंड्राजन हार्मोन एंड्राजन ये तीन हार्मोन बने कौन से भाग से कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कौन सा है आउटर है या इनर आउटर तो आइडिनल ग्रैंड के आउटर पार्ट से तीन हार्मोन निकलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जिसको हम कोर्टिसोल भी बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स जिसको हम एलडेस्टेर भी बोलते हैं एंड एंड्राजन हार्मोन ये तीनों हार्मोन निकलते हैं अब बच्चों ये तीनों हार्मोन क्या काम करते हैं इनके फंक्शंस देखना और इनके जब फंक्शंस पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा सा आएगा आपको इन तीनों के फंक्शंस पढ़ना और फंक्शंस पढ़ोगे तो सबसे पहला ये देखो इसके क्या काम ग्लूको नाम से ही क्लियर है ग्लूको का मतलब क्या है यहाँ पर ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या होती है एक शुगर होती है बच्चों तो आप याद रखेंगे कि ये हार्मोन हमारे बॉडी में रेगुलेशन का काम करते हैं सुगर की मात्रा जब कम होती है तो उसे बढ़ा देते हैं ये हार्मोन। सुगर रेगुलेशन और सुगर को हिंदी में लिखेंगे सरकरा पर संतुलन भाई किसी टिश्यू के पास किसी सेल के पास किसी ऑर्गन के पास सुगर की कमी हो गई सुगर का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज ही है देखो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को किसने रेगुलेट किया था इंसुलिन ने मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना वरना आपको समझ में नहीं आएगा रुधिर के अंदर जो का जो शुगर है ब्लड उसके ऊपर बैलेंस कौन करता है इंसुलिन लेकिन कौन सी सेल के पास कौन से टिश्यू के पास कितनी सुगर की कमी है उसको रेगुलेट कौन करेगा ग्लूको तो आप लिख लेना सेल्स एंड टिश्यूज के पास मतलब कोशिकाओं और उत्तकों के पास ग्लूकोज को भेजने का कार्य करते हैं किसी सेल के पास मान लो यहाँ पर एक सेल है इसके पास ग्लूकोज की कमी है तो इस सेल के पास ग्लूकोज को कौन भेजेगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स शुगर रेगुलेशन दूसरा काम लिखो इसी का स्ट्रेस रेगुलेशन और स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव तनाव की मात्रा पर नियंत्रण करना आपको बहुत बार बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस हो जाता है, है ना जैसे आ, आप मान लो आप ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम दिया आपने आप ट्वेल्थ में फ़ेल हो गए तो फेल हो गए तो आपको बहुत आप सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं आपके ब्रेन में वही वही चीज़ घूमती है कि मैं काश मैंने पढ़ाई कर ली होती है ना काश मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता उस टाइम मैं दोस्तों के साथ नहीं घूमता मैं गर्लफ्रेंड से बातें नहीं करता तो मैं पढ़ लिया होता तो सोच सोच के सोच सोच के आपको एंगजाइटी होती है और आपको धीरे धीरे स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है उस चीज़ का ठीक है उसके बाद सात दिन के बाद मम्मी से डांट खा ली पापा से डांट खा ली मम्मी से तो चप्पलें भी खा ली पापा से चांटा खा लिया फेल आने पर लेकिन कितने दिन तक असर होता है सात दिन तक आठ दिन तक उसके बाद आप क्या होते हैं दोस्त मिले बाहर गए दोस्त बोलते हैं अरे तेरा रिजल्ट क्या रहा मैं तो फेल हो गया तो दोस्त बोलता है मैं भी फेल हो गया तुम लोग हंसना स्टार्ट कर देते हो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल गायब हो जाता है तो जो स्ट्रेस यहाँ था उसको वापस वापिस उसको डिक्रीज करने का काम किसने किया ग्लूको ने कि किस बात का कितना स्ट्रेस होना है और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो उसको धीरे 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 वापस आपका कम करने का काम करता है ये ठीक है चलो अब ये दोनों काम किसके थे ग्लूको के अब हम देखेंगे मिनरेलो कोर्टिकोइड्स का क्या काम होता है मिनरेलो मिनरल्स और मिनरल्स का मतलब क्या होता है खनिज लवण कौन सा खनिज लवण सोडियम क्लोराइड यह है, सोल्ट रेगुलेशन का काम करता है नमक की मात्रा पर नियंत्रण रखता है हमारे बॉडी में नमक कितना होना चाहिए और कौन सी सेल के पास कितना नमक होना चाहिए ठीक है आप कितना नमक खा रहे हैं बाहर से आप जानते हैं नमक कम ज्यादा होने से बीपी भी आपकी इम्बैलेंस हो जाती है ब्लड प्रेशर आपका इम्बैलेंस हो जाता है समझते हैं ये बात तो सॉल्ट भी एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए नमक की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का कार्य करता है चलो नेक्स्ट आता है एंड्रोज़न हार्मोन और एंड्रोज़न हॉर्मोन क्या करता है ये क्या करवाता है सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड करवाता है सेक्सुअल कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है लैंगिक लक्षण बनाना मेल में मेल वाले और फीमेल में फीमेल वाले ठीक है जो मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है उनमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है मेल में मेल वाले फीमेल में फीमेल वाले ठीक है मेलनेस देगा मेल में फीमेल में फीमेलनेस देगा ठीक है बच्चों तो ये बताओ कि इस हार्मोन ने क्या किया ध्यान से सुनना मेरा एक एक पॉइंट आप कॉर्टेक्स पार्ट से तीन हार्मोन निकले ग्लूकोकोटिकोइड्स मिनरेलो कोटिकोइ्स एंड्राजन ग्लूकोकोटिकोइड्स ने शुगर रेगुलेशन रेगुलेशन का काम करा स्ट्रेस रेगुलेशन का काम करा मिनरेलो ने सॉल्ट रेगुलेशन का काम करा एंड एंड्राजन हार्मोन ने सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड करवाए लैंगिक लक्षणों का विकास करवाया आपके शरीर में अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो एक एस शुगर का एक एस स्ट्रेस का दो एस सोल्ट का तीन एस सेक्सुअल करैक्टर का चार एस तो ये जो पार्ट है वो फोर एस पार्ट कहलाता है चार एस पर नियंत्रण करता है इसीलिए इस ग्रंथि को मैंने लिखवाया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि एड्रीनल ग्लैंड का एक नाम और भी होता है और क्या नाम नोट करवाया था एड्रीनल ग्लैंड का कि इसको फोर एस ग्लैंड बोलते हैं और चार एस का मतलब कभी एग्जाम में आ जाए तो क्या क्या करोगे सुगर स्ट्रेस सॉल्ट सेक्सुअल कैरेक्टर एंड चार एस को रेगुलेट करना ठीक है यहीं से सेटिसोल कौर्टि हार्मोन रिलीज होते हैं इन ग्लूको को ये ग्रुप होता है एक हार्मोन नहीं होता है बहुत सारे हार्मोन्स का ग्रुप होता है इनको कोर्टिसोल बोलते हैं एक साथ मिलाकर अब बताओ फोर एस का मीनिंग समझ में आया आपको ठीक है चलो ये कौन सा पार्ट था ये तो बाहरी पार्ट था देखो कोर्टेक्स ब्लू कलर वाला था अभी तो हमें अंदर वाला भी पढ़ना है और अंदर वाला कौन सा होता है मैड्यूला अंदर वाला होता है मैड्यूला तो नेक्स्ट पार्ट लिखो मैड्यूला इसी ग्रंथि का दूसरा भाग मैड्यूला को हिंदी में बोलते हैं पिंड और मुझे बताओ मैड्यूला आउटर है या इनर इनर भाग है आंतरिक भाग है और इससे निकलते हैं दो हार्मोन दो हार्मोन निकलते हैं कौन कौन सा नाम लिखिएगा पहले को बोलते हैं एड्री और इसी का एक नाम और भी होता है एपीनेफरी इसको हम एपी के नाम से भी जानते हैं दोनों नाम नोट कर लेना एपी दूसरी साइड लिखो नोर एड्री नोन नो नहीं नोर आर नोर एड्री निलीन ठीक है हिंदी में नोर एड्री निलीन ही बोलेंगे दूसरा नाम इसका होता है नोर ऐपी नैफरीन नोर एपी नेफ्रीन तो एक तो हुआ एड्रीनिलीन जिसी को हम क्या बोलते हैं एपी दूसरा क्या हुआ एड्रीनिलीन जिसको हम क्या बोलते हैं नोर एड्री समझ रहे हैं आप मेरी बात और इन्हीं दोनों हार्मोन को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं एमरजेंसी हार्मोन एमरजेंसी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों एमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति आप आपके बॉडी में कुछ एमरजेंसी कंडीशंस होती हैं तभी ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं अब कौन कौन सी एमरजेंसी कंडीशंस एमरजेंसी का मतलब क्या होता है कभी कभी होने वाली है ना और बहुत ही डरावनी सिचुएशन है ना जैसे कोरोना हुआ था तो हमारे इंडिया में क्या हो गया था लॉकडाउन लग गया था तो लॉकडाउन एक तरीके का एमरजेंसी था है ना ऐसे प्रॉपर एमरजेंसी नहीं था वो तो इंदिरा गांधी के ज़माने में लगा था एमरजेंसी आपातकालीन आपके बॉडी में आपातकालीन स्थिति आ गई कैसी आपातकालीन देखो ये किस टाइप की एमरजेंसी ये तीन टाइप की एमरजेंसी होती है थ्री एफ होते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी पहली है फियर पहला एफ है फियर, फियर का मतलब क्या होता है डर लगना दूसरा है फाइट फाइट का मतलब होता है आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं उस टाइम आपको डर लग रहा है और तीसरा है फ्लाइट फ्लाइट का मतलब होता है भाग जाना फ्लाइट का मतलब वो नहीं है एयरोप्लेन नहीं है भाग जाना ठीक है उड़ जाना मतलब उस जगह से हट जाना तो ये हार्मोन जब आपको बेसिकली डर लगता है ना तब रिलीज होते हैं और इसको थ्री एफ ग्र बोलते हैं थ्री एफ ग्रंथी क्योंकि ये तीन एफ को कंट्रोल करती है तीन एफ़ का मतलब है फियर फियर का मतलब डर लगना जब आपको डर लग रहा है तो आपके बॉडी में ये एमरजेंसी हार्मोन निकलेंगे ये आपको डर लगवाएगा ये डर का सामना करवाएगा ठीक है फाइट आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं मैंने आपको आ, एक चांटा मारा ठीक है मैंने चांटा मार तो दिया है ना लेकिन चांटा मारने के बाद मुझे ये लगा अरे ये तो बदतमीज़ लड़का है तो ये वापस मुझे चांटा मार सकता है तो उस टाइम पर जो डर लग रहा है तो उसको बोलेंगे फाइट लड़ाई वाला ये डर लगवाएगा लेकिन ये डर का सामना करवाएगा मुझे मेरे दिमाग में दो सिचुएशन चलेंगी एक कि ये चांटा मार भी सकता है तो ये चल रहा है तो मुझे डर लगेगा दूसरा उसी टाइम पर मेरे दिमाग में थोट आएगा चांटा मारेगा फिर तो दो और खाएगा मुझसे तो वो डर का सामना है ठीक है तीसरा अगर मैंने चांटा मारा मुझे डर लगा अब मुझे लगा मेरे को पड़ेंगी मेरे को दो और पढ़ सकते हैं मैं उस जगह से भाग जाऊंगी भाग जाना फ्लाइट फियर फाइट फ्लाइट इन तीन को कंट्रोल करते हैं एमरजेंसी हार्मोन। कैसे जैसे मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ आप अपने घर से बाहर निकले आप दुकान पे जा रहे हैं सामान लेने बीच में आपके पीछे एक गली का कुत्ता भोंका गली का कुत्ता बहुत तेज भौंका और आपको डर लगा आपके पीछे भाग रहा है वो भौंक रहा है और आपको डर लगा डर लगेगा तो आपके बॉडी में कौन से हार्मोन निकलेंगे एमरजेंसी हार्मोन अब मुझे बताओ कि जब आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है आपको डर लग रहा है तो आपके बॉडी में क्या क्या बदलाव आएंगे क्या क्या चेंज आएंगे उन्हीं को बोलते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब आपको डर लगता है या जब एमरजेंसी हारमोन्स निकलते हैं तो क्या क्या बदलाव आएंगे क्या क्या जैविक बदलाव आएंगे आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ा है आपको पता है इस पागल कुत्ते ने पांच लोगों को पहले से काट लिया है आज तुम्हारा नंबर है तो क्या क्या बदलाव आएंगे बताओ आप उस कुत्ते को मारोगे क्या करोगे बताओ सबसे पहला मुझे यह बताओ कि आपकी हार्टबीट तेज होगी या नहीं होगी यस मैम मेरे दिल की धड़कने क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी धक, धक 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 ऐसा लगेगा कि दिल बाहर निकल के आ जाएगा ठीक है हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाएंगी नेक्स्ट आप बहुत तेज तेज सांसें लेने लग जाएंगे रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा श्वसन की दर क्या हो जाएगी रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो जाएगा बहुत तेज तेज सांसें लेंगे तीसरा शिवरिंग होने लग जाएगी शिवरिंग का मतलब समझते हैं कंप कपाना हाथ पैर कंप कपाने लग जाएंगे यस मैम चौथा रोंगटे खड़े हो जाएंगे घुसबम्स आ जाएंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे हाँ जी मैम नेक्स्ट गला सूख जाएगा गले में क्या होता है लार सलाइवा कम हो जाएगा गला सूखा सूखा लगेगा स्वेट पसीना आ जाएगा है ना पसीना आ जाएगा जैसे आप अगर नींद में कोई भयंकर भाएं, डरावना सपना देखते हैं तो जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपको पसीना पसीना आ रखा होता है ये सारे वो बदलाव हैं जब आपके बॉडी में आपको डर लगता है तब होते हैं क्या क्या बच्चों हार्ट बीट तेज हो जाएंगी सांस बहुत तेज लोगे कंप कपाने लग जाएगा आपका बॉडी आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे गला सूख जाएगा पसीना आ जाएगा इसके अलावा भी कुछ होता है क्या वो आप देख लेना ठीक है <laughs> सोचो आप समझ गए होंगे कुछ बच्चे तो इसके अलावा और क्या होता है, है? चलो आप देखो बच्चों तो ये सारे के सारे बदलाव कौन से हार्मोन लाते हैं एमरजेंसी हार्मोन तो वो कुत्ता पीछे पड़ा ये सारे बदलाव आएंगे अब आपके मन में कुत्ते को देख के डर लगा अब आपके दो थोट आएंगे या तो मैं इस कुत्ते से बचने के लिए इससे लडूं लड़ने का मतलब उसे पत्थर फें फैंक, पत्थर फेंकूँ इस पर या मैं आ, उस कुत्ते को कोई लकड़ी वकड़ी लूँ आसपास आप लकड़ी देखोगे कि उससे उस कुत्ते को मारो आप या आपको दिखेगा ये तो भाई लड़ाई करने लायक भी नहीं है पत्थर भी नहीं है मेरे हाथ में तो आप क्या करोगे उस जगह से भाग जाओगे फ्लाइट मतलब उड़ जाओ यहाँ से भाग जाओ आप अपनी जान बचा लो ठीक है तो इसको बोलते हैं फीयर फाइट फ्लाइट इसीलिए इस ग्लैंड को नाम दिया जाता है डू और डाई करो या मरो या तो कर जाओ कर जाओ का मतलब क्या है उस कुत्ते को मार दो या खुद मर जाओ तो इस ग्रंथी को करो या मरो ग्रंथी का भी नाम दिया जाता है और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चों ये एमरजेंसी हार्मोन होते हैं और नोट कर लेना ये एमरजेंसी हार्मोन रेगुलर केसेस में नहीं निकलते हैं कभी कभी निकलते हैं और कभी कभी का मतलब है जब आपके बॉडी में कोई ना कोई एमरजेंसी कंडीशन लगती है कौन सी फियर फाइट फ्लाइट तो इस ग्रंथि के इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि, एमरजेंसी ग्लैंड इस ग्रंथि को थ्री एफ ग्लैंड इसको करो या मरो करो या भागो या इस ग्रंथि को फोर एस भी कहा जाता है सुगर सॉल्ट सेक्सुअल कैरेक्टर वाला और स्ट्रेस वाला ये सारे इसी ग्रंथि के नाम हैं ये सारे के सारे इसी ग्लैंड के नाम हैं अब इस ग्रंथि के डिसऑर्डर लिखो डिसऑर्डर का मतलब होता है बीमारियाँ कि इस ग्रंथि के हार्मोन अगर कम ज़्यादा हो गए तो कौन सी बीमारी हो जाएंगे? आपको दो बीमारी नोट करनी है मेनली इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो जाएंगे तो दो बीमारी हो जाती हैं एक होता है एडिसन्स डिजीज आप लिखेंगे एक होता है कुसिंग सिंड्रोम आप लिखिए एक साइड लिखिए एडिसोन्स डिजीज ये पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है एडिसोन्स डिजीज हिंदी में एडिसन रोग कहा जाता है एडिसन रोग और दूसरी साइड लिखेंगे कुसिंग सिंड्रोम कोसिंग सिंड्रोम देखो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो ये देखो ये कम निकलने से इनमें से कौन सा होगा और हार्मोन ज़्यादा निकलने से कौन सा होगा एडिसोन्स के नीचे लिख लेना कि ये कम निकलने से होता है ये हार्मोन कब होगा कम निकलने से होगा इसके नीचे लिखो हाइपो ये हार्मोन जब हमारे बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की कमी हो जाएगी तब ये होगा और जब ज़्यादा हो जाएंगे हाइपर तो कूसिंग सिंड्रोम हो जाएगा लेकिन दोनों का नाम नोट कर लेना नाम से ही ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं अब बच्चों एडिसोन्स डिज़ीज़ में क्या होता है पहले ये सुनो इसमें बच्चों क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का जो क्वांटिटी होता है वो इम्बेलेंस हो जाता है देखो ये जो एडिसोन्स डिज़ीज़ है ना ये मेनली आप बताओगे ग्लूको के कम होने से होता है अगर वो नहीं तो आप ये याद रख लो कि इस बीमारी में जब इस ये बीमारी होती है किसी के शरीर में तो जो शुगर हैं उस शुगर की मात्रा शुगर की मात्रा असंतुलित हो जाती है इम्बैलेंस हो जाती है शुगर की मात्रा इम्बैलेंस का मतलब है कम ज़्यादा होने लग जाती है शुगर की मात्रा दूसरी ऐसे इंसानों का आईक्यू लेवल अब आईक्यू लेवल तो समझते ही होंगे आईक्यू लेवल बहुत कम होता है वो लोग बहुत जल्दी से किसी चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते हैं और उनको वोमिटिंग होती रहती है वोमिटिंग का मतलब है उनको उल्टी आती रहती है कुछ भी खाते हैं अच्छे से पच नहीं पाता है और उल्टी हो जाती है और उनका वेट लॉस हो जाता है उनके शरीर का वज़न कम हो जाता है इसको बोलते हैं एडिसोन्स डिज़ीज़ ऐसे इंसान का आईक्यू लेवल में बहुत कमी होगी और उसके बाद आप याद रखेंगे आईक्यू आईक्यू लेवल का मतलब कि वो बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमज़ोर होगा उनका वोमिटिंग आती रहती हैं खाना खाने के बाद वज़न कम होता जाता है डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है ये सब इनके यहाँ पर एडिसन्स डिजीज में होता है अब कुसिंग सिंड्रोम में क्या होता है कुसिंग सिंड्रोम में बच्चा फैट जम जाता है इंसान के बॉडी में फ़ैट जमने लग जाता है फ़ैट जम जाता है और उसका जो फेस है ना उस पर भी फेट उस पर भी फ़ैट जम जाता है वसा जम जाता है यहाँ यहाँ और फेस पर भी फ़ैट आ जाता है चेहरे पे भी और उसका जो चेहरा है वो कुछ ऐसा सा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये गालों के ऊपर फ़ैट जम जाएगा और कुछ ऐसा सा होने लग जाता है मून शेप में हो जाता है मून शेप का वाला समझते हैं आप चंद्रमा के आकार का ऐसा होने लग जाता है मतलब आंखें अंदर धंस जाएंगी और ये चीजें ऐसे होने लग जाती हैं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनने लग जाती है ये चीज़ पूरी आप ना नेट पे डायग्राम देख लेना इसका कुसिंग सिंड्रोम का किस आ, बहुत सारे इमेजेस होंगी जहाँ पर ऐसे बच्चे का मून शेप जैसा फ़ेस बन जाता है मतलब फैट ज़्यादा हो जाता है इसमें और आँख जो हैं वो अंदर की साइड धंस जाएंगी ठीक है या कुछ लोगों में आँख भी बाहर आ जाती हैं कुछ लोगों में आँखें भी बाहर आ जा बाहर आने का मतलब गिर नहीं जाती हैं बाहर ऐसे निकल जाती हैं पुतली ठीक है मून शेप में हो जाता है फेस के ऊपर फैस ब... आ, फैट बढ़ जाता है और उसका जो फेस है वो कुछ ऐसा सा होने लग जाता है ऐसा सा इसी को बोलते हैं कूसिंग सिंड्रोम ये कम निकलने से होगा ये ज़्यादा निकलने से होगा और यही दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है इस ग्लैंड से ठीक है कमेंट सेक्शन ऑन कर दो ठीक है यही आपको याद रखना है ओके तो आय्रीनल ग्लैंड को हमने एमरजेंसी ग्लैंड बोला और इसी ग्लैंड को हमने क्या बोला बच्चों आप क्या बताएंगे थ्री एफ फोर एस ग्लैंड इसी को डू और डाई या तो कर जाओ या मर जाओ या तो इस बार एन रेलवे पार या फिर आप समझ जाओ आर या पार ठीक है बच्चों तो ये आपकी adrenal gland खतम, adrenal gland खतम, आपकी खत्म खत्म बस चार ग्लैंड बची हैं जो कल खत्म हो जाएंगी ज्यादा चैप्टर नहीं बचा है अब आप मुझसे डाउट पूछ लो बीरेंद्र आपका नाम आ गया बच्चा अब आप कमेंट करो मैंने कमेंट सेक्शन ऑन करवा दिया है आपके पास दस मिनट हैं कोई भी डाउट पूछिए मुझसे सिर्फ चार ग्रंथि बची हैं कौन कौन सी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेट्स एंड पीनियल बस अब बताओ कोई डाउट है पीडीएफ डी आज अपलोड करवा दूंगी पीडीएफ इस क्लास के बाद क्लास के एक घंटे बाद देख लेना पी मिल जाएगा ठीक है बताओ हाँ चाइना वालों जैसा हो जाता है फेस बिल्कुल चाइना वालों जैसा हो जाता है आपने सही पकड़ा हाँ जी मैम आप इतना अच्छा पढ़ाती हो कि मैम थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज क्यों होता है ये बच्चा हम आप आप पूछोगे आप कि पेट में ही खाना क्यों पसता है ऐसे क्वेश्चन मत करा करो ये तो भगवान की देन है होना है तो होना ही है ठीक है चलो चलो ठीक है कोई भी डाउट हो अच्छे से नोट कर लो डाउट क्लास में ले लोगे डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं आप जब यूरिन करेंगे आप जब मूत्र करेंगे तो उसमें ग्लूकोज़ की मात्रा आ जाती है और यूरिन के अंदर किटोन बॉडीज़ आ जाती हैं और क्या कहते हैं सॉरी किटॉन बॉडीज़ नहीं डायबिटीज़ में नहीं आता है किटोन बॉडी क्या कहते हैं आपको वीकनेस होने लग जाती है और आपको ना ऐसे चक्कर से आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं मैम मैं, मैं आर्ट्स से हूँ आर्ट्स से हैं तो आपको साइंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैम मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती ऐसा आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन करो सबके पास आती है प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चा कल आएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन कल आएगा आज नहीं आएगा ठीक है प्रोलैक्टिन हार्मोन कल आएगा पीयूष ग्रंथि एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड किस फोर ब्रेन से जुड़ी हुई होती है श्याम बरन डाउट क्लास कब होगी बच्चा डाउट तो आने दो पहले अच्छा एक कह रहे मैम कोरोना हो गए क्या करें घबराओ नहीं कोरोना हो गया तो मैं बता देती हूँ अगर आपको कोरोना हो गया डॉक्टर के पास मत जाओ खुद से इलाज करो मैं भी अपना इलाज खुद कर रही हूँ सुनो क्या करना है एक आती है अजिथ्रोमाइसिन नाम की दवाई वो लो विटामिन सी की दवाई लाओ और पैरासीटामोल तीनों खा लो सुबह शाम पैरासीटामोल घुस बम का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना सुन लो मेरी बात अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं तो बच्चा आपको कुछ नहीं करना है आपको एजिथ्रोमाइसिन दवाई आती है पैरासीटामोल आती है और एक आता है एक आप विटामिन सी की दवाई दोनों टाइम खाओ चार पाँच दिन तक और पॉइंट नंबर टू आप अदरक डालिए अदरक एक एक पानी लो पानी के अंदर उसको गर्म कर लो उसके अंदर अदरक डाल लो काली मिर्च डाल लो और आप नींबू डाल लो और एक चम्मच शहद डाल लो उसको पी जाओ कुछ नहीं है हाँ कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आज इसका पी अपलोड करवा दूंगी मैं डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल श्वेत रुधिर कोशिका वाइट ब्लड सेल श्वेत रुधिर कोशिका सफ़ेद होती हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है महेश पाँच बजे नहीं हो पाएगी पाँच बजे मेरा दूसरा बैच चलता है केमिस्ट्री का केमिस्ट्री की क्लास आपकी साढ़े छः ही है साढ़े छः ही आना नहीं हो पाएगा बच्चा पाँच बजे नहीं हो पाएगी एडीएच अभी आएगा बच्चा एडीएस एंटी डाई यूरेटिक हॉर्मोन होता है अभी आएगा मेरे प्यारे बच्चे सुनो अभी अभी कल पढ़ाएंगे ना तब आपके प्रोलेक्टीन एडीएच सब आएंगे तुम तो थोड़ा थोड़ा सा वेट करा करो ठीक है चलो पेनक्रियाज कहाँ से निकलता है कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप पेनक्रियाज कहाँ होता है तो पढ़ा तो चुकी हूँ छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है एडीएस की फुल फॉर्म त्रिलोक एंटी डायूरेटिक होती है कल आएगा ये तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो मैं कोई आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी अभी तो रुक जाओ फिजिक्स होगा फिजिक्स भी होगा बच्चा चलो थैंक यू सो मच इसके बाद ह्यूमन डिजीज़ पढ़ा दूँ ठीक है इसके बाद हम ह्यूमन डिजीज़ पढ़ा देंगे जो तुम बोलोगे वही पढ़ा लेंगे ऑटो इम्यून क्या होता है सीमा एक होता है इम्यून सिस्टम एक होता है अपने इम्यून सिस्टम को ख़त्म करना उसको ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं केमिस्ट्री का पीडीएफ मैं नहीं दूंगी मैंने पहले क्लास में हर क्लास में क्लियर करती हूँ पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ नहीं दूंगी बाकी सब दे दूंगी क्योंकि पीरियोडिक टेबल मेरे साथ पढ़नी है आपको पीरियडिक टेबल आपको मेरे साथ पढ़ने हैं पैनक्रियाज का पीएच लेवल 8.5 8 टू 8.5 होता है पीरियडिक टेबल मैं नहीं इसका मैं नोट इसका मैं पीडीएफ नहीं दूंगी मेरे साथ नोट्स बनाओ क्योंकि पीरियडिक टेबल अपने हाथ से बनाओगे पढ़ाओगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा हां लिंफोसाइट ही दो टाइप की होती है बच्चा बी और टी लिंफोसाइट चलिए वीरेंद्र थैंक यू बच्चा आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो थैंक यू चलिए केमिस्ट्री की क्लास कब से होगी कुलदीप आप कौन सी दुनिया में रहते हैं केमिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आज भी आपकी साढ़े छः बजे केमिस्ट्री की क्लास है क्या हो जाता है तुम लोग स्ेड्यूल नहीं देखते हो क्या ऐप के फ्रंट पेज पे डेली आपके बैचेस का शेड्यूल अपडेट होता है शाम को सात आठ बजे वो देख लिया करें चलो थैंक यू सो मच मिलेंगे अगली क्लास में थैंक यू सो मच